दोस्तों टेक महिंद्रा ने 1525 रुपये का अपना शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस तोड़ दिया है। इस शेयर ने पिछले दिनों 1448 रुपये तक का निचला स्तर छुआ था। दोस्तों सिर्फ 6 सत्रों में ही कंपनी ने करीब 8% की तेजी दर्ज कर ली है और उम्मीद की जा रही है कि इस शेयर में 1700 का लेवल छूने की ताकत है। दोस्तों ये शेयर मीडियम टर्म में 1750 रुपये के स्तर को भी छू सकता है। दोस्तों गुरुवार के सत्र में टेक महिंद्रा ने थोड़ी देर से तेजी पकड़ी और फिर तेजी के साथ ही बंद भी हुआ। अभी इस शेयर ने 1525 रुपये का अपना शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंट तोड़ दिया है। टेक्निकल चार्ट पर इसने बुलिश मारबोजू में कैंडल बनाया है जो दिखाता है कि इस शेयर में तगड़ी खरीदारी देखी जा रही है। दोस्तों इस शेयर ने पिछले दिनों 1448 रुपये तक का निचला स्तर छुआ था और सिर्फ 6 सत्रों में ही कंपनी ने करीब 8% की तेजी दर्ज कर ली है। दोस्तों आज के मजबूत प्राइस एक्शन को देखें तो ये शेयर अपने 100 DMA से भी ऊपर चढ़ चुका है और यह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, बल्कि इसका 14 दिन का RSI भी बुलिश है, जबकि MADC इस स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है। दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि इस शेयर में 1700 का लेवल छूने की ताकत है और मीडियम टर्म में 1750 रुपये के स्तर को भी छू सकता है। हालांकि इन दिनों में बाजार में आई स्थिरता को ध्यान में रखते हुए 1460 रुपये पर स्टॉप लॉस बनाए रखें, जो कि इसका 20 DMA स्तर होता है।